नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। मैं हूं आपके साथ आदित्य। जिले में लगातार तेज वर्षा के कारण जो है पूरा मुजफ्फरपुर अब जल जमाव से भर चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीर, इस वक्त जो है हम डीएम ऑफिस से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बड़ा बड़ा टैंकर जो है इस जल जमाव को यहाँ पूरा जो है डीएम ऑफिस जो पूरा परिसर जो है देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो है जल जमाव हो गया है। और बड़ा बड़ा टैंकर लगा के जो है इस पूरे जल जमाव जो था उसको निकासी करने का जो है खुद नगर आयुक्त जो है लगातार इस पूरे जल निकासी के लेकर के जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पूरे शहर में आपको बता दें पूरा शहर में जो है जल जमाव हो गया है। ऐसे में इस वक्त जो है हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे डीएम ऑफिस के पास जो है पूरा जो है जल जमाव हो गया है। ऐसे में लगातार जो है बड़े बड़ी मशीनें और देख सकते हैं तस्वीर जो है नगर आयुक्त तो अभी जो है लगातार सभी जगह जाके जो है पंपिंग सेट और जो भी साधन है जिसके माध्यम से लगातार जल जमाव की निकासी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 250 mm बारिश हुआ, उसके कारण कुछ इलाकों में जो है अभी जल जमाव की स्थिति है। हमारा नगर निगम का जो टीम है वो पंप JCB सब जगह पे और जो आउटफ्लो पॉइंट है उन सब एकदम क्लियर है, उससे पानी निकल रहा है और हम लगातार निगरानी इस पर बनाए हुए हैं। परसों रात में भी 150 mm बारिश हुआ है, कल भी अत्यधिक 24 घंटे में 250 mm बारिश हुआ, इसके कारण कुछ इलाकों में पानी लगा हुआ है। नहीं, एक साथ 24 घंटे में जो 250 mm रेनफॉल जो हुआ उसके कारण है। हम लोगों के नाले जो हम लोगों ने सफाई करवाया था, 2-3 राउंड सफाई हुआ है, उसी वजह से उन्हीं नालों से अभी पानी निकल भी रहा है। पर एक साथ अत्यधिक पानी हुआ है तो 5-6 घंटे में उसको समय लगेगा निकलने में, तो तब तक क्लियर होगा। तो आप सुन रहे थे नगर आयुक्त क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन कि आपको बता दें इस वक्त जो है मुजफ्फरपुर पूरा जो है जल जमाव से पूरा भर गया हुआ है और इसकी निकासी के लिए लगातार नगर निगम जो है लगातार जो है काम कर रही है। आपको बता दें इस वक्त जो है डीएम ऑफिस के पास आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा जो है बड़ी बड़े टैंकर लगा करके पूरा जल जमाव जो हो गया था जिसको निकासी के लिए बड़े बड़े टैंकर और पंपिंग सेट के माध्यम से लगातार जल निकासी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कब तक जो है मुजफ्फरपुर से जल जमाव जल निकलता है। तो इसी तरीके खबर के साथ देखते रहे मुजफ्फरपुर वाव।